हेलो एवरीवन, सर्वज एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर में 27 जून 2021 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इसके पहले के करंट अफेयर की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड 3 करोड़ टू द स्पोर्ट पर्संस हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया तथा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं तथा वहां के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और इस बार ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विद विच बैंक वॉज सिंडिकेट बैंक मर्ज्ड। हाल ही में सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। सिंडिकेट बैंक का विलय हाल ही में कैनरा बैंक के साथ किया गया। हम कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। कैनरा बैंक की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसके वर्तमान CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। के सैलजा को सेंट्रल यूनियन यूरोपियन यूनिवर्सिटी सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये केरला की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग प्रोहिबिशन ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होम मिनिस्टर एंड साइबर सेल ऑफ दिल्ली पुलिस हैव स्टार्टेड अ हेल्पलाइन नंबर टू चेक ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। वह हेल्पलाइन नंबर क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 155260। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होती है तो जितना जल्दी हो सके आप इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेन कर दें, जिससे कि जिस अकाउंट से आपके साथ ठगी की गई है उस अकाउंट को सीज कर दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2021। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2021 सर्वे के मुताबिक विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड असगबात। असगबात वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2021 सर्वे के मुताबिक विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अशगबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और भारत का वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2021 सर्वे में एकमात्र शहर मुंबई, जो कि अपने 18वें स्थान से फिसलकर 78वें स्थान पर पहुंच गया है, और जबकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली 117वें स्थान पर है। और हम जान लेते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की करेंसी तुर्कमेनिस्तान मनात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द स्विमिंग इन ओलंपिक। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बने। ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड। विश्व ओलंपिक दिवस
कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 में की गई थी, जबकि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत वर्ष 1894 में हुई तथा पहला ओलंपिक गेम्स वर्ष 1896 में खेला गया, एथेंस में खेला गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने संजय यादव का जगह लिया। संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के चीफ जस्टिस बने। इन्होंने मात्र 15 दिन तक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अब हम बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।